लाइफ स्टार्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर P और Q इंटीजर्स होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर Q जीरो होगा तो इस नंबर का कोई मतलब नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं रैशनल नंबर को कि जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट करने लगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे 1.23, ये आपका एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है 3 पे। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 1.3232... ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन इसकी डिजिट रिपीट कर रही है, जैसे 3232। अब देखते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट भी नहीं होता है और नॉन रिपीट भी नहीं करता है। देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं 1.01001001000001... देखिए ये जो नंबर है ये है आपका इरेशनल नंबर, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक जीरो है, फिर दो जीरो, फिर तीन जीरो, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये है आपका इरेशनल नंबर। देखिए जो इस चैप्टर में सबसे पहली थ्योरम वो है इक्लूडियन डिविजन लेमा। ये कहते हैं अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स है ए एंड बी, देखिए अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर है ए एंड बी तो हमें दो इंटीजर मिलते हैं क्यू एंड आर जो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो हमारे पास दो इंटीजर है 17 एंड 4, तो आपको 4 से 17 को डिवाइड करना होगा 1। तो हम ऐसे लिखते फिर 17 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 प्लस 1। तो यहां पर जो Q एंड R है वो है हमारे Q इज इक्वल टू 4 एंड R इज इक्वल टू 1। ये हमारा A था और ये B था, इसमें R हमेशा B से छोटा आएगा और 0 से हमेशा बड़ा आएगा। R के लिए आपके पास ये कंडीशन होती है R 0 या 0 से इक्वल और B से छोटा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल हो लेता हूं 1001 एंड 23, तो इसके लिए Q एंड R क्या हो गए, तो आपको 23 से 1001 को डिवाइड करना होगा, देखिए अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं ए इज इक्वल टू 1001 एंड बी इज इक्वल टू 23, तो अब हमें फाइंड करने Q एंड R, तो आपको करना क्या होगा 23 से 1001 को डिवाइड करना होगा। तो आपका ये होगा Q एंड दिस वन R, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1001 इज इक्वल टू 23 इंटू 43 प्लस 12,
और ये आपके जो क्यू और आर मिलते हैं ये हमेशा यूनिक होते हैं। ओके गाइस, देखिए अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखिए हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप सबसे पहले सपोज कीजिए जो आपका a है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और आपको b लेना होगा यहां पर 6। तो आप इंक्लूडियन डिवीजन लेमा यूज कीजिए ए और 6 पर। ओके सिक्स, तो इंक्लूडियन डिवीजन लेमा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब ए के लिए आपके पास क्या क्या चॉइस है, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5। अब देखिए गाइस, अगर मैं 6q लेता हूं तो ये आपका क्या है, ये एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये चॉइस आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जो हमारा ए है वो है आपका पॉजिटिव इंटीजर। अब ये वाली, अब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6q ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी, तो ये होल नंबर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी आपका इवन नंबर है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 6q+4, ये भी आपका एक इवन नंबर है क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट। तो अब ए के लिए क्या चॉइस बची, दिस दिस वन एंड दिस वन, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2, यूज इंक्लूडियन डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+3। देखिए हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल उसी तरह से सोल्व करेंगे जैसे पहले वाला किया था। हम लेट करते हैं ए हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए हमें बी यहां पर हम 9 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन दोनों से हो जाएगा। अगर हम यहां पर 9 लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा, और अगर 3 लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा पड़ेगा। तो हम यहां पे लेते हैं बी इजिकल टू 3। तो हम इक्लूडियन डिविजन लेमा यूज करते हैं ए और 3 पे। तो ए और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब ए के लिए क्या चॉइस है आपके पास, देखिए सबसे पहले जब हम लेते हैं ए इजिकल टू 3q तो आपको ए क्यूब करना होगा। ए क्यूब हो जाएगा आपके पास 27q³। और 27q³ का हम लिख सकते हैं 9 × 3q³, तो ये आपका हो जाएगा 9 × m, और m आपके पास क्या होगा 3q³। देखिए हमने 3q³ को लिया m, और m है आपका 3q³, और q यहां पे इंटीजर है तो ये भी आपका इंटीजर हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूव किया, a इजिकल टू 3m, और m यहां पे क्या है आपका इंटीजर। अब मैं लेता हूं a इजिकल टू 3q+1, जब a इजिकल टू 3q+1 होगा तो यहां पर भी आपको a क्यूब करना होगा। अब आपको क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा तो ये हो जाएगा आपके पास 27q³+1+3 × 3q²
इंटू वन प्लस थ्री इंटू थ्री क्यू इंटू वन का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, 27 क्यू क्यू प्लस वन प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब देखिए ये वाली टर्म, ये टर्म और ये टर्म, इसमें से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए लेट कीजिए एम इजिकल टू दिस, तो ये हो जाएगा आपका 9m प्लस 1। अब यहां पर q आपका एक इंटीजर है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी से आपका इंटीजर प्रूव हो जाएगा। तो a हम a क्यूब क्या प्रूव किया हमने, 9m प्लस 1, और m यहां पर इंटीजर है। देखिए अब हम लास्ट वाला ले लेंगे, ए इजिकल टू 3q प्लस 2। अब फिर से क्यूब करना होगा, तो आपके पास ए क्यूब हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 18q। अब देखिए इस वाली टर्म में से, इस वा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से हम 9 कॉमन ले सकते हैं। और ये 8 अकेला रह जाएगा। अब देखिए इसे लेट कीजिए m, तो ये आपका हो जाएगा 9m प्लस 8। अब आपके पास q इंटीजर है, तो सेम बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी आपका इंटीजर हो जाएगा। तो हमने a क्यूब क्या प्रूव किया, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। और गाइज यही हमें प्रूव करके दिखाना था। देखिए अब नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसे हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं 24, तो 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम ऐसे करेंगे, तो 24 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3। अब देखिए गाइज अगर हम इस चीज को लिखते हैं 3 इंटू 2 क्यूब, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हम ये देखते हैं जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। जैसे इसमें प्राइम नंबर्स क्या यूज हुए, 2 एंड 3, और उनकी पावर, ये चीजें सेम होनी चाहिए। वो किस ऑर्डर में लगे हुए इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 24 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 और 3 इंटू 2 क्यूब, ये दोनों चीजें सेम है। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है जो आपका रूट टू है, ये सबको पता है कि इरेशनल नंबर होता है। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, तो कैसे करेंगे देखो। पहले सपोज करते हैं जो आपका रूट टू है वो एक इरेशनल नंबर है, ये हम लेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट टू इजिकल टू ए अपॉन बी, और जो यहां पर ए अपॉन बी है वो हम लेट करते हैं कि को प्राइम है, ए और बी को प्राइम है। अगर ए और बी को प्राइम नहीं होंगे तो हम उनके कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके उन्हें को प्राइम बना सकते हैं। तो अब ए इजिकल टू रूट टू भी हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो ए स्क्वायर इजिकल टू 2b स्क्वायर। अब देखिए ये वाला नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ए स्क्वायर एक इवन नंबर है, तो ये इंप्लाइज करते हैं कि ए स्क्वायर इजिकल टू
टू एम। अब देखो गाइस, अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ए सॉरी इसका मतलब टू ए को भी डिवाइड करेगा, यहां से क्या आ जाएगा, ए इजिकल टू टू एम। तो यहां से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इजिकल टू फोर एम स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आपको यहां पर पुट करना होगा यहां पर, तो आपका आ जाएगा फोर एम स्क्वायर इजिकल टू टू बी स्क्वायर। अब टू से ये फोर कैंसिल आउट होकर आएगा टू, तो आपका बी स्क्वायर होगा टू एम स्क्वायर। तो गाइस यहां पर देखिए, यहां पर टू इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब टू बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, और अगर टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब टू बी को भी डिवाइड करेगा। अब टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब टू ए और बी का कॉमन फैक्टर है, टू कॉमन फैक्टर है ए एंड बी का। लेकिन हमने लेट किया क्या, लेट किया था कि हमने ए और बी को प्राइम है, मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ वन है, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया कि टू उन दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहां इसे बोलते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई, क्योंकि हमने लेट किया था कि रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो हैंस रूट टू एक रैशनल नंबर नहीं, रूट टू एक इरैशनल नंबर है। स्टॉप कैसे होगी F10?